गई। आप इनको क्यों अरेस्ट कर रहे हो? मैंने तो अल्लाह माफी किसी की इतनी बेकार मौत कभी नहीं देखी किसी ड्रामे में। ये हो गई और फर्क ही नहीं पड़ा और किस मतलब नोटिस ही नहीं किया। खुशहाल खुशहाल रुक के यूं देखते हैं ये क्या हुआ है। उसने उसने सोचा मेरी गन से लगी है या किसकी गन से लगी है। लगी कैसे? अच्छा गई भाभी, चलो आगे चलो, अब्बा को देखो, अब्बा जेल जा रहे हैं। और भाभी प्रेग्नेंट थी। और लेकिन वो सीन तब आया जब एनकाउंटर खत्म हो गया या तो बीच में आता। बातें चल रही है, अरेस्ट हो गया, पीछे से आ रहे हैं भागते हुए भाभी के पीछे बंदा, और उसने मारा, लगा खुशहाल ने मारा है। मैं इसलिए परेशान हो गई, मैंने कहा खुशहाल से हाँ गलती से लग गई है गोली। फिर मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, मैं मेरी दूसरी थ्योरी बड़ी प्यारी थी कि खुशहाल ने मारा होगा पुलिस वाले को, पुलिस वाले से गोली निकल के ना उस लड़की को भाभी को गलती से लगी। फैसल ने कहा खबरदार ये जायलों वाली बात तुमने शो भी खबरदार ऐसे नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं होता ना, गोली क्रॉस करके आगे निकल गई। खबरदार बोला सॉरी, वैसे मैंने बोल दिया, लेकिन मुझे लग रहा था शायद कोई एक्सप्लेनेशन दिखाया, यही है उन्होंने लग तो रहा था। मैंने भी वो सीन 3 से 4 दफा रिवाइंड करके देखा, ये चल क्या रहा है, यही दिखाया उन्होंने। बहुत फनी था वो, वेरी फनी, इट वाज फनी। जी हां, तो भाभी का रोल भी, आपकी एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई थी दुनियापुर से। क्या हुआ दुनियापुर में? और आपको क्या लगता है कहां पे चीजें गलत होना शुरू हुई? मेकअप तो समझ आ गया कि मेकअप ने तो एक पूरी जो एक आप बिलीवेबल होती है कोई भी सिचुएशन वो रही नहीं मेकअप की वजह से। मुझे लग रहा डायरेक्टर थक रहे हैं दोनों साइड पे, बाबों की साइड पे और आदम दोनों। डायरेक्टर इतना फोकस है उसका एक्शन सीक्वेंस पे, एक्शन 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 उसकी तैयारी पे, कि जितने आप देखिए कहाँ ड्रामा वीक हो रहा है, इमोशनल सीन्स में, इमोशंस में, और उसकी एक्सिक्यूशन में, एक्टिंग में, प्रेजेंटेशन में यहाँ मसला हो रहा है। जहाँ एक्शन वैक्शन आता है वहाँ ठीक है, लेकिन ये कि ड्रामा तो यह है ना, हर सीन को प्यार से ट्रीट करो। नायाब की लाश आती है, ठीक है, पहले बीवी देखती है, ठीक है, माँ खड़ी हुई है, हाँ। माँ ने कहा पहले उसकी बेगम पूरा सीन कर ले, फिर मैं, माँ तो अपने बेटे की लाश, बीवी तो सही बेहोश हो गई, वो तो हो गई, ठीक है, उससे चलो मैं बेहोश होगी, फिर मैं माँ नॉर्मल आई है, लेकिन माँ वहाँ खड़ी देख रही है, अरे आप जाएंगे अपने बेटे को देखेंगे क्या हुआ है, मतलब वहाँ पे स्क्रीन प्ले स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। मुझे लग रहा था कि अनलेस माँ के साथ इतना बुरा हुआ है पास्ट में कि वो अंदर से मर गई है और नथिंग अफेक्ट विद दिस मेकअप, नो आई डोंट थिंक किसी मरे हुए इंसान के मैंने इतना मेकअप देखा। एक सायमा कुरैशी की हम बात करें और एक ज़ेब जो कि दादी है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मैं सायमा कुरैशी की बात कर रहा हूं। हां, मैंने सायमा से पूछा भी, मैंने अच्छा सायमा इज द मां, जी सायमा, सॉरी मैं दादी, सायमा से जो मैं थोड़ी सी ब्रीफली बात हुई, मैंने कहा दुनियापुर में तुम्हारा रिएक्शन सही नहीं आ रहा जब बच्चे मर रहे हैं, बेटी को तुम दे आई हो, उसको जानवर के हवाले कर आई हो। उसका एक्सप्लेनेशन कि उसने भी वो किया जो डायरेक्टर ने बताया, कह रही हमें ये ब्रीफिंग मिली है कि दुनियापुर की औरतें पत्थर हैं, दे आर कोल्ड, और वो अपने एक्सप्रेशंस दिखाती नहीं। इतनी सी बात थी, फिर उसके बाद केक आ गया, फिर हमने केक खाया तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, फिर मैं केक में बिजी हो गई। आई थिंक लेकिन औरतें जहाँ के भी हों, एक माँ माँ होती है और उसकी औलाद, जवान औलाद जब जाती है तो वहाँ पे उसको एक आपको हिट होना चाहिए, कुछ भी नहीं हो रहा। लाइक एनीवे, तो आपके पास कितने नंबर तो नहीं, अभी तो इमोजी, इमोजी कौन सी इमोजी आपके पास? इमोजी बहुत सारे सवाल हैं इस एपिसोड में, अभी वो हम करेंगे आराम आराम से, लेकिन इमोजी इज लाइक जितना प्रॉमिस है, बेटी भी बड़ी वही हार्टलेस है, उसने भी बंदा पड़का दिया इतने मज़े से आराम से, उसका भी कैरेक्टर आ रहा है सामने कि जी बड़ा हार्टलेस है और टफ है, स्ट्रॉन्ग है और केपेबल है कि ये कंट्रोल संभाल सके, ठीक है जी। बाकी सबसे प्यारा था जब एपिसोड खुला है और हमारा समी आया, और समी ने, मैंने कहा इतना अच्छा लग रहा है, जरा जल्दी बोल दिया मैंने, ये यूनिफॉर्म में ये, मैंने कहा अब इसको ना ये आया फॉर्म है, एक्सक्यूज मी इट्स अ क्राइम सीन, पटाक भी जिसको थप्पड़ लगा मैं तो गिर गई। मैंने कहा अरे मेरा बच्चा चूचू है, अरे मेरा बच्चा चूचू है ना, एकदम उसको रिलैक्स करा रही कि अगर समी हो समी कोई बात नहीं कुछ नहीं, बट बड़ा बुरा थप्पड़ लगा, क्या मारा था, बहुत अच्छा मारा था। और वो मैं कहा यार अभी भी इसकी इज्जत नहीं है, कौन सा एपिसोड पहुँच गया, छठे पे आ गया, अभी तक इस पुलिस वाले की इज्जत कोई नहीं हो रही, ये क्या हो रहा है, जो तो अरेस्ट कर लिया अब दोस्त ने, हाँ शुक्र है, लेकिन उस वक्त मैं बड़ी पुट ऑफ, मैंने कहा यार अब इसकी इज्जत कब करेगा जमाना, ये तो बड़ा ही बुरा हो गया इसके साथ। खैर एनीवेज, जो वो नवाब साहब हैं उनकी जो लाइन्स है अपनी बेगम और बीवी के साथ, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, आई एम सॉरी, इसको आदाब सिखाओ, आदाब, ही इज वेरी गुड, इज वेरी गुड, आदाब पता नहीं क्या मतलब है, कोड में आदाब मीन्स वो जो पानी फेंक के सिखाती है ना, हाँ, और वो ऊपर से हाथ बड़ा बुरा जलाया, लेकिन खैर हाथ, ये पता नहीं कौन से अदाब है जिसमें उसके
मारने लगी है, उस पर तशद्दुद कर दिया। आई डोंट थिंक नवाब का ये मतलब, नवाब का कुछ और मतलब था कुछ और अदाब की वो बात कर रहे थे, यहाँ वो क्यों टॉर्चर दे रही है और अदाब क्या उसको ख़राब कर रही है, वो चाह रही इसके इधर उधर निशान बना दूँ मैं ताकि नवाब इसे पुट ऑफ ही हो जाए। तो ये वो इस प्लानिंग में है। बहुत बड़े क्यूट सीन जब उनके आते ना, जब नवाब साहब साथ बैठते ना बच्ची के, आए उनकी एक्टिंग तौबा। एनीवेज तो कहानी कहाँ जा रही है, अरेस्ट हो गए हैं, ये सरप्राइज था, ये ट्विस्ट था, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि पुलिस मिली होगी और पुलिस उनको उठा के ले जाएगी। तो पुलिस ले गई, अरेस्ट हो गया, और उसमें एक लाइन थी कि जाहिर बात है वो अरेस्ट हुआ, भाई बेटा मिलने आया, तो पुलिस वाले कह रहे हैं छोटे साहब आप यहाँ, तो कहाँ होगा वो, अगर यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा। लेकिन बहरहाल बाकी सीन ग्रेवयार्ड वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, लिखा हुआ था खुशहाल और शमशेर के दरमियान। हाँ, शमशेर साहब सब बोलते हैं कि भाई बहुत अच्छा सीन, वो उसके डायलॉग्स शूट मतलब एक्टिंग तो थी अच्छी, बट द डायलॉग्स वर वेरी गुड कि मेरा बेटा मारा है और उसने कहा कि पता नहीं क्या कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो चले गया लेकिन मैं यहाँ हूँ, तो दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं बादम के लिए। तो इट्स इंटरेस्टिंग, अच्छा है लिखा हुआ प्लॉट चीज़ें। वो सेवन वेरी गुड जॉब अतीका जी। मेरा मतलब है कि इतनी अपॉर्चुनिटी थी टू टर्न दिस इनटू अ ब्यूटिफुल सिनेमैटिक विजुअल प्रोडक्ट एंड राइटिंग में भी देयर वाज सो मच अपॉर्चुनिटी फॉर दिस टू बी आइकॉनिक। मुझे अतीका जी पता है क्या लग रहा है, इन्होंने स्क्रीन प्ले ज्यादा नहीं लिखा हुआ। हाँ यही है, कुछ डायलॉग्स हैं लेकिन जहाँ पे स्क्रीन प्ले आना चाहिए ना कि माँ पहुंची तो माँ देख के बेटे कैसे रिएक्ट करेगी, वो वहाँ पे मिसिंग था स्क्रिप्ट डायरेक्शन में। आप बताएं डायरेक्शन में क्या पता, मसला ये देखिए ग्रीन ने करोड़ों 20-30 करोड़ के करीब लगा दिए इस प्रोजेक्ट में। अब आगे काम था डायरेक्टर कि इसको सही तौर पर यूटिलाइज करना, प्रोडक्ट सही आना, और मीना जी की बात कि शायद दो डायरेक्टर्स का होना, क्योंकि एक्सपेंस तो कोई बचाया ही नहीं ना, इतने अच्छे बड़े खर्चे के साथ बजट के साथ कैसे ऐसी चीज़ बन सकती है। जब आप इमोशंस को माइनस कर दें, ठीक है हमने इमोशंस पे, अब आपने सारा फोकस कर दिया फाइटिंग पर बाकी चीज़ों पे। अब आप जब अगर आपने देखी मेरी सीरीज़, अब तो नेटफ्लिक्स पे इतनी मौजूद हैं कि जब आप किसी जगह पे अटैक करते हैं, जो लोग आ रहे होते हैं वो उनके पास पोजीशन देने की जगह नहीं होती, वो लॉन में भागे गार्डन में आ रहे हैं भागे हुए, वो उन्होंने प्रॉपर बोरियां लगा के अपनी वो बनाई हुई हैं, पोजीशंस बनाई हुई हैं, कि आप उनको मार ही कह सकते हैं, वो तो आपको 10 घंटे अंदर ना घुसने दें क्योंकि वो प्रॉपर उन्होंने जब उसके घर में इंटर होते हैं तो आपने देखा होगा छतों पे वो लोग मौजूद हैं उसके पहरेदार। यू टॉकिंग अबाउट द पुलिस, हाँ, और पुलिस लॉन में आ रही है, ठीक है उसके गार्डन में जो उसका बना हुआ है ग्राउंड्स उसके अंदर आ रही हैं, और वो प्रॉपर उनके पास वो जगहें बनी हुई, चौकियां बनी हुई जिनके अंदर वो बैठे हुए हैं। अगर आपको पता हो थोड़ा सा, आपने देखा वो ऐसी चीज़ें, तो एक चौकी में जो इंसान बैठा हुआ होता है ना, वो 2-3 घंटे इंसान अंदर नहीं आने दे सकता किसी को, और वो इतना चाइल्डिश लग रहा था कि मतलब आप ये सारे भागते हुए हैं और ये सब मर जाएंगे चौकी, अरे वो क्यों मरेंगे, वो तो मुकाबला करेंगे, वो तो आपको हिलने नहीं देंगे। छत पे कैसे पहुंच गए, हाँ एग्जैक्टली, और वो छत पे बैठे हैं, घर पे आके घर के अंदर आके घर वालों को मार रहे, एक औरत को जिसके हाथ में कोई वेपन नहीं है जो भाग रही है, पीछे से पुलिस वाला उसको क्यों फायर करेगा, वो खुशहाल पे कर रहा था, वो खुशहाल पे कर रहा था, वो खुशहाल पे भी नहीं कर रहा था, खुशहाल इस तरफ था, उसके आगे पुलिस वाला था, पुलिस वाले उसकी बैक थी खुशहाल की, उसको तो पता ही नहीं खुशहाल अचानक आया, पुलिस वाला भागते आया है, भाभी को गोली मारी है, पीछे से खुशहाल ने उसको मारा है, वरना वो खुशहाल को फेस करता, नो उसने ये सिचुएशन, ये कह रहे क्रॉस फायर, कौन सा क्रॉस फायर, उसके हाथ वाले को मारा, उसने मारा, I don't know, ये सीन अच्छा, बड़ा उसने अगर पुलिस वाले को मारा तो खुशहाल को अरेस्ट क्यों नहीं किया, exactly, I was just going to ask, that was my ये question. इतना बड़ा ब्लंडर है कि उसके बाद वो वहीं खड़ा रहा और वो चले गए, इवन अगर उसने भाभी को मारा तो अरेस्ट कर, भाभी तो फिर भी होगा, ये देखें जब शुरू में घर पे अटैक होता है, ठीक है उस वक्त भाभी को गोली लग जाती है, अगर आपने भाभी को मारना ही था कि वो उस शुरू में अब जब सबको नुमान रियाज को पकड़ लिया है वो सब नॉर्मल, इट वाज बैडली शॉट, मतलब जब हां बाकी जो आपका सीज फायर हो गया पकड़ लिया आपने, उसके बाद ये फायरिंग क्यों हो रही है, और ये घर के अंदर से पुलिस वाला क्यों निकला, और एक बिल्कुल निहत्थी औरत पे कैसे फायर किया उसने पीछे से। खुशहाल जो है वो गया हुआ था दूसरे ड्रामे के शूट पे, तो मिला उस दिन ना उनको वापस तो उन्होंने कहा कि खुशहाल तुम्हारा ये सीक्वेंस पूरा शूट करेंगे, वो एडिटिंग में लगाना उन्होंने कहीं और था, उसके बाद आके खड़ा हुआ और मैं कहूंगी और भाभी के मरने पे जो एक्सप्रेशन थे ना एक्सप्रेशन थे नथिंग, जैसे कोई कीड़ा मकौड़ा मर गया, कोई फर्क ही नहीं किसी को, उन्होंने कहा बेटा मर गया भाभी मर जाए कोई, हां तो क्या फर्क पड़ता है, गुड रिडंस, इतना ऑफ लगा ये, मैं डायरेक्टर से हैरान हूं, शदीप भाई क्या हो गया आपको, ये कैसे आप कैसे आपने सीन बना दिया कि कोई आपने सिंपैथी नहीं किसी से लेनी थी, आप क्या चाह रहे थे, तो हम फील कैसा करें, हमने कुछ भी फील नहीं किया सवाय हैरत के और शौक के, एक ही हो रहा है।
तो और ये कैसे हुआ, क्योंकि इट्स अ वेरी जहां पर अमेजिंग डायरेक्टर एक्सपीरियंस डायरेक्टर शादी भाई ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये ऐसा सीक्वेंस क्यों आया, आप ग्रीन वाले बड़े चेक कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, इसकी हर किस्त को, तो ये ऐसे कैसे चल गया? आपको सोचे ना, अगर आप ये देखेंगे एक लड़का जो है वो कुत्तों के साथ बंध रहा है, उसके बाद उसको रॉकेट लॉन्चर मार के मार दिया, वो घर पहुंचेगा तो फैमिली का कुछ तो आप दिखाए ना, यहाँ पे हम सैड हो रहे हैं लेकिन फैमिली सैड ही नहीं हो रही। बाकी जो हमारे औरंगजेब भाई के, अच्छा मुझे कॉस्ट्यूम भी समझ नहीं आ रहा, अगर वो टेक्वांडो के कपड़े पहन रहा है, नहीं, वो अजीब से टेक्वांडो वाले कपड़े लग रहे हैं, वो अजीब से कपड़े हैं, तो फिर वो नुमान एजाज वैसे क्यों नहीं पहन रहा? एक भाई का अगर ये लिबास है, उस एरिया का लिबास है, उस फैमिली का लिबास है, क्यों है? क्योंकि वो खुशहाल ने भी उस तरह की कोई चीज पहनी हुई थी, वो बड़ी की मुझे इस स्टाइल में समझ आता है, देन नुमान शुड हैव आल्सो वांटेड, बट स्टिल इट्स अ बिट, ये कहां के किस एरिया का है, मुझे ये इसका कॉस्ट्यूम नहीं समझ आ रहा, तो इट्स अ फिक्टिशियस लैंड है ना, फिक्टिशियस पे फिर, तो फिर उसका सबसे बड़ा, अब अगेन अगर आपने बनाया है तो वो नुमान को 100% वो तो फैमिली हेड है, और ये क्या हो रहा है फिर, नुमान एजाज ये परफॉर्मेंसेस में भी मार खा रहा है, ये डायरेक्शन में मार खा रहा है ड्रामा, ये परफॉर्मेंसेस में मार खा रहा है, इम्पैक्ट नहीं हो रहा, बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लाइक फ्लाइज देयर फॉलिंग एंड नथिंग इज हैपनिंग, नो रिएक्शन, तो व्हाट इज गोइंग ऑन? हमारे ड्रामों की देखिए स्ट्रेंथ ही है कि हम इमोशंस बहुत अच्छे दिखाते हैं, वरना हम भी, नेटफ्लिक्स पे भी एक मूवी लगी काजोल और उसकी स्मृति, क्या नाम है, कृति सेनन की, इतने अच्छे सब्जेक्ट पे डोमेस्टिक वायलेंस, और इतनी बकवास वो फिल्म बनी है जिसमें ग्लैमर और पता नहीं क्या बीच में डाल के ब्यूटी ग्लैमर बकवास मॉडर्न करके उसको उसका हशर कर दिया, इतनी घटिया फिल्म मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी, इतने अच्छे सब्जेक्ट पे जो बन सकती थी, तो उनसे नहीं हो रहा, बॉलीवुड इज़ सफरिंग क्योंकि उनसे इमोशंस कैप्चर ही नहीं हो रहे, हमारे ड्रामे की स्ट्रेंथ ही यही है, तो हमें एक्शन वैक्शन बाद में दिखाना, बॉम्ब ब्लास्ट पटाखे, हमें अच्छे से सीन्स चाहिए विद इमोशंस जो बैकबोन है ड्रामे की, और यही लैक कर रही है एक्टिंग एंड डायरेक्शन। नंबर 5 अतीका जी आपकी लिस्ट डायरेक्शन के बारे में, लेकिन जान नहीं है परफॉर्मेंस, जो कैरेक्टर है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और स्पेशली अब जब उसने टेक ओवर किया है, अब वो अब जो फीमेल डॉन बन गई है, आ गई है, आवाज़ बहुत उसमें पतली, उस पर सूट नहीं कर रही उस कैरेक्टर के लिए, जो आपको चाहिए कमांड और एक ये, बहुत लाइंस फ्लैट जा रही हैं, एक्सप्रेशंस फ्लैट जा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज फिर भी कहीं ठीक है वॉक वॉक करते हुए, मुझे डर ही नहीं लग रहा उस कैरेक्टर से, मुझे उसके एक फील नहीं हो रहा है, अगर वो चाह रही है कि मैं उससे डरूं या मुझे खौफ आए, कुछ भी नहीं है फॉर दिस रोल, इम्पैक्ट नहीं है, उससे पहले वाला था तो मैंने कहा ठीक है ये वो, इसके लिए आपको आवाज़ में जान चाहिए, एक एक लफ्ज़ जो अदा हो उसका एक्टर का क्लियर हो, अथॉरिटी के साथ हो, रोब हो, वो नहीं, और जो जुमले वो बोल भी रही है देवर नॉट इम्प्रेसिव, खाने की टेबल पर जब व्यापारी आते हैं, कितना वो पावरफुल सीन था, फ्लैट, जान नहीं थी जुमलों में, एक्टिंग नंबर्स 5 जहाँ पहुँच गई ये कहानी आप